जी नाजीन, इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं जिस तरह डिफरेंट आलमी मुशायरे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए डिफरेंट लोग आए, तो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं फरजाना वासिक साहिबा, और इनसे पूछेंगे कि आलमी मुशायरे को किस तरह सराहती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आज आपको मैंने बहुत कभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि ये मैंने इनको बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स होते रहते हैं कराची में, लेकिन मैंने इनको कभी देखा नहीं है, तो आलमी मुशायरे में कैसे तशरीफ ले आई आप? नहीं, ऐसे प्रोग्राम में आती हूँ, ऐसे यही तो बात है। यानी आलमी मुशायरे में कोई ऐसी बात है? बहुत बड़ा अच्छा लगता है, दिल को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है अंदर से। अच्छा, इनकी ये मुझे ज़रा सवाल करने पड़ेंगे, अभी इतने सारे लोग बात मुस्तकिल करें, इनके छोटे छोटे सवाल नहीं होंगे। फरजाना साहब, आप मुझे ये बताइए कि हम शायर कायद में आलमी मुशायरा 26वां है, ठीक है, और वैसे तो जो है अक्सर आपने देखा होगा शायरी कलाम को ज़्यादा लोग ऐसे इवेंट्स में कम जाते हैं और बहुत क्राउड भी कम होता है, लेकिन इस वक्त एक्सपो सेंटर भरा हुआ है और बहुत सारे डिग्निटीज़ हैं, हर प्रोफेशन से बिलोंग, बिजनेस कम्यूनिटी है और फैमिली वाले लोग हैं, सब आए, तो आप इसको किस म्यार पर देखती हैं और आगे चल के इसका क्या फ्यूचर नज़र आता है आपको? म्यार तो हमेशा से अच्छा ही रहा है मेरे हिसाब से, अब बीच में थोड़ा सा गैप आ गया था, ठीक है, जहाँ तक है, लेकिन अब बातें जी मतलब बढ़ती जा रही है चीज़ें, लोगों की तादाद भी बढ़ रही है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी चीज़ें तकरीबा बहुत कम हो रही होती है कराची में, ख़ासतौर से ड्रामे होते हैं और चीज़ें होती हैं, लेकिन अदब से मुतालिक चीज़ें कम ही देखने को मिलती हैं। तो आज मैं ख़ासतौर से नबिया को तो ख़ासतौर से लाई हूँ कि उनका ये सवाल था कि वहाँ भाई शायरी क्या होते हैं, ज़ाहिर बच्चे भी पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है ना, अब शेर व शायरी शोरा क्या मतलब सुना रहे होते हैं कलाम, तो वो चीज़ मतलब देखते हैं कि नबियों को कैसे लगता है बच्चों। अच्छा, इसमें इंसान अपनी फीलिंग का इजहार करता है और बड़ा मज़ा आता है। मैं अभी थोड़ा जो फर्स्ट इत्तेफाक की बात है, जो फर्स्ट अपेयरनेस हुई थी वो एक यूथ जनरेशन लड़का सा था, उन्होंने की, ठीक है ना, तो इतनी उनको दाद मिली, तो ये भी एक मतलब हम यूथ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत मतलब खुशी के साथ जाहिर है, मतलब उसमें जिन यंग शुरा का मतलब आना चाहिए आगे, अपना मतलब कलाम पेश करना चाहिए, और जो उनका मतलब अंदर की जो एक मतलब महसूस होते हैं उसको शायरी की सूरत में निकल रही होती है, तो ये मतलब बहुत अच्छा। आपको कोई शेर आता है? नहीं, याद नहीं होते। अच्छा, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की कि अपनी बेटी को लेकर आई हैं, अभी उनकी आई थिंक उम्र 12 साल या कुछ इसी तरह 11 साल, तो ये बड़ी बात है कि ऐसे इवेंट में अपने बच्चों को लेके जाना ये बड़ी खुश आइन बात है, और ये गुड मैं कहूँगी ये इकदाम है फैमिली का, पेरेंट्स का, कि वो ऐसे इवेंट्स में बच्चों को भी लेके जाए, आना चाहिए बच्चों को भी, और मतलब देखना चाहिए कि मतलब किस तरह से इंटरेस्ट पैदा होता है, सब इंटरेस्ट पैदा होगा। फरजाना जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।